मंचस्थ सभी महानुभाव, नौजवान दोस्तों, पहले तय यह हुआ था कि मुझे 15 तारीख को आप लोगों के बीच आना था, लेकिन बीच में मुझे एक जयपुर का कार्यक्रम बन गया और मैंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। तो आपकी टीम के लीडर मेरे गले पड़ गए कि साहब हम डेट बदलते हैं लेकिन आप आइए जरूर, और उनका उत्साह और इतने वो लगन से आग्रह कर रहे थे कि मैं मना नहीं कर पाया, और उसके कारण आप सबके बीच एक दिन पहले आ गया। मित्रों, मुझे खुशी हुई कि इस बार आप अपने समिट का सब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया हुआ है, वो आपका फोकस एरिया है। मैंने पूछा मुझे क्या कहना है, तो उन्होंने कहा जो मर्जी पड़े। अब जो मर्जी पड़े में तो फिर बहुत सुविधा रहती है, आराम से गप्पे गोष्ठी कर सकते हैं। मित्र सुधीर जी जब कह रहे थे कि हम इस इंस्टीट्यूट को आने वाले कुछ वर्षों में इस ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो मेरे मन में विचार आता था कि सुधीर जी है तो ये सपना जरूर साकार होगा। और आज भी इतने कम समय में इस इंस्टीट्यूट ने जो अपना नाम कमाया है देश में, उसके पीछे सुधीर जी, उनकी टीम, यहां के स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन, ये सारी बातों ने मिलकर के इतने कम समय में इसने अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन इंस्टीट्यूट को एक अलग कैंपस चाहिए, अच्छा कैंपस चाहिए, और जिस प्रकार से क्वालिटी के कारण ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बने, उसी प्रकार से मेरी इच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी कैंपस वर्ल्ड क्लास बने। तो आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा शुरू कर रहे हो उसका आरंभ मैं आईआईटी के कैंपस से कर रहा हूं। गांधीनगर के पास 450 एकड़ भूमि फाइनल देने मैंने कर लिया है, और आपको मालूम है यहां भूमि के दाम कितने हैं, अरबों खरबों रुपए हो रहे हैं इन दिनों। लेकिन सरकार ने तय किया है आपको चलेगा ना, सिर्फ 1 रुपये में किराए से दे देंगे, 99 ईयर के लीज पर। और इसलिए सिर्फ जमीन से जो पैसे बचेंगे उससे ही आप दुनिया का बेहतरीन कैंपस बना सकते हैं। अभी आप पर हैं, और मैं तो चाहूं कि आपकी सभी आईआईटीज के लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से बढ़िया डिजाइन भेजें, या कंपटीशन हो, और फिर एक वर्ल्ड क्लास कैंपस क्यों न बने, आप ही के पार्टिसिपेशन से बने, तो एक बहुत बड़ा काम गुजरात की धरती पर सुधीर जी के नेतृत्व में हम संपन्न कर पाएंगे, मुझे भरोसा है। दोस्तों, आप लोगों ने कोरिया के डेवलपमेंट के संबंध में शायद पढ़ा होगा, साउथ कोरिया
उसकी पॉपुलेशन, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया करीब करीब गुजरात जैसा ही है। काफी बातों में गुजरात से मिलता जुलता वहां का प्रोग्रेस है। अब एक जमाना था जब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा था, गरीब देशों के पैकी एक था। बहुत कम समय में कोरिया समृद्ध देशों के स्थान पर पहुंच गया। और जो लोग कोरिया का अध्ययन करते हैं वे जो बताते हैं, और उस पर किताबें भी लिखी गई हैं, तो कोई 30-35 साल पहले वहां के जो राजकर्ता थे उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया और जिसने कोरिया के जीवन को बदल दिया। लेकिन जब उन्होंने वो फैसला किया तो उन पर बहुत दबाव आए, आलोचनाएं हुई, विद इन कंट्री भी उनको बहुत बड़ा रिवोल्ट सहना पड़ा। और उनका निर्णय यह था कि कोरिया के एक छोर से दूसरे छोर तक एक सेंटर में एक बहुत बड़ा 6-वे हाईवे बनाना। अब सब तूफान खड़ा हो गया, लोग गरीब हैं, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, और एक ऐसा नेता है बस बोले रोड बनाऊंगा। लेकिन वो डटे रहे और कहते हैं कि उस एक रोड ने पूरे कोरिया के जीवन को बदल दिया, वहां की सोच को बदल दिया, और 20 साल के भीतर भीतर कोरिया ओलंपिक गेम का होस्ट बन पाया, दुनिया के समृद्ध देशों में अपनी जगह बना ली। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर विजन के साथ किस जगह पर क्या करने से बदलाव आता है इसकी अगर सोच होती है तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है उसका उदाहरण है। कैनेडी का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि संपत्ति नहीं है जो रोड बनाती है, ये रोड है जो संपत्ति बनाते हैं। और इसलिए कभी कभी विकास के पैमाने में, अच्छा कभी झगड़ा क्या होता है, पहले मुर्गी के पहले अंडा, यही झगड़ा होता रहता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि लोगों को पहुंचने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। गरीब देश जो है उनके यहां ये सबसे ज्यादा इसका प्रेशर होता है कि पहले आम आदमी की सुविधाओं को देखें कि व्यवस्थाओं को विकसित करें, और इस तनाव में से डिसीजन लेना होता है। और जो इस डिसीजन का लेने का सामर्थ्य रखते हैं वो स्थितियों को बदल देते हैं, जो सामर्थ्य नहीं रखते हैं वो स्थितियों को फॉलो करते रहते हैं, और स्थितियां, परिस्थितियां, मुसीबतें उनके आगे दो कदम आके खड़ी हो जाती है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति एक जागरूकता से काम लेना पड़ता है। कोई एक जमाना था हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता था, रोड्स अच्छे, रेलवे ठीक, कुछ एमिनिटीज की जरूरत रहती है, ड्रेनेज है, टिकना है, फलाना वो ठीक ठाक, कहीं थोड़ा और समृद्धि है तो जरा एयरपोर्ट हो जाए, इसी के अगल बगल में हम सोचते थे। आज से 10-15 साल पहले वो सोच ठीक होगी, आज वक्त बदल चुका है, और इसलिए हमें नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को पकड़ना पड़ता है, सोचना उसके आधार पर पड़ता है। अगर मानव संस्कृति के विकास की ओर नजर करें तो एक बात साफ आती है कि मानव संस्कृति का विकास युगों तक जहां नदी बहती थी वहीं पर मानव संस्कृति का विकास होता था, उसी के इर्द गिर्द सारी जीवन व्यवस्थाएं विकसित होती थी, और उसका जीवन का मुख्य बिंदु रहता था पानी। अगर पानी है तो बाकी दुनिया खड़ी की जा सकती है, ये मूलभूत सोच थे। सारी मानव संस्कृति का विकास जल से निकट रहा है, ये सदियों और दुनिया के सभी देशों की एक कॉमन पैटर्न रही है। बाद में वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर न सिर्फ हिंदुस्तान
विकास वहां हुए जहां से हाईवेज गुजरते थे, मंदिर भी पहले लोग हिल पे बनाते थे, वक्त बदल गया अब मंदिर भी हाईवे पर बनाते हैं, क्योंकि भक्त भी क्लाइंट बन गया है। तो सोच कैसे बदलती है आप देख सकते हैं कि हाईवेज के ऊपर जीवन अब बसने लगा है। कहीं पर भी देखिए, यहां रिंग रोड बनने वाला है, पता चलते ही रिंग रोड के अगल बगल में रिंग रोड पूरा होने से पहले डेवलपमेंट हो जाता है। तो दूसरा फेज वो आया कि जहां से रास्ते गुजरते हैं वहां जन जमावड़ा शुरू हो जाता है। अब वक्त बदला है दोस्तों, आने वाले युग में मैं देख रहा हूं निकट भविष्य में कि मानव विकास वहां होगा जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता है। ये वक्त बदलने वाला है, पूरी मानव संस्कृति का विकास इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ने वाला है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्पेस के साथ उसका कनेक्टिविटी है। ये दुनिया बदलने वाली है, और इसलिए हम जब नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट की सोचते हैं तो हमें उस मूड से सोचना पड़ेगा। मित्रों, गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी व्यवस्थाओं को एक नया मोड दिया है, और ये 10 साल के भीतर भीतर दिया है। कभी कभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जोड़ करके देखें तो कैसे देखा जाए। मित्रों, आप में से कई लोग गुजरात के ही हैं, काफी मात्रा में मित्र बाहर से आए होंगे। बाहर सबने सुना होगा कि गुजरात बहुत समृद्ध है, गुजरात बहुत विकसित है, ये सब सुना होगा। लेकिन 2001 में जब मैं इस जिम्मेवारी पर आया, आज से 10 साल पहले, तब मेरे राज्य में देयर वर ओनली 4% हाउसेस, 4% घर ऐसे थे जहां पर ड्रिंकिंग वाटर का टैप कनेक्टिविटी घर में थी, ओनली 4%। बाकी 96% लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता था उनके। अब इसका मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने का परिणाम ये हुआ है, विद इन 10 ईयर्स, यानी गुजरात के 40 साल के इतिहास में 4%, एंड इन दिस 10 ईयर 76% फैमिली ऐसे हैं जिनको घर में पानी टैप से मिलता है, टैप वाटर से मिलता है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इस लेवल से अगर बात शुरू करता हूं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए वो कैसे परिवर्तन करता है। 2001 में जब मैं आया तो लोग मुझे कहते थे कि मोदी जी आप आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये काम कर पाओगे क्या? तब तो मैंने शपथ भी नहीं ली थी, मेरा अभी मुख्यमंत्री पद का शपथ बाकी था। मीडिया वालों ने मुझे एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री बना दिया था, हेडलाइन छप गई थी, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो फिर लोग भी मिलने जुलने आना शुरू हो गए। वो मेरे से एक मांग कर रहे थे, मोदी जी कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले ऐसा तो करो, हमें शाम को भोजन के समय बिजली नहीं मिलती, 10वीं की एग्जाम हो, बच्चों को पढ़ना है, बिजली मिले ऐसा करो, मां बीमार है, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा चले ऐसा करो। वो दिन थे 2001 में। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है, हमने तय किया अगर शहर को बिजली मिलती है गांव को क्यों ना मिले, और उसका परिणाम यह हुआ कि विद इन 3 ईयर्स 1000 डे का एक प्रोग्राम बनाया, और उस 1000 डे के अंदर पूरे गुजरात में हर गांव में 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड बिजली आज अवेलेबल है। ये हिंदुस्तान में लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि अपने देश में, लेकिन होता है। आज गुजरात का कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर 24 घंटे बिजली प्राप्त न होती है, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसा चेंज आया। मैंने आईएम के माध्यम से सर्वे किया, सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे, उस सर्वे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि बिजली आने के कारण गांव से शहर की तरफ जाने की संख्या थी उसमें 33% कमी हो गई, लोग गांव में रहना पसंद करने लगे। तो हमने कहा चलिए नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
तो हमने तय किया कि हम गुजरात के गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। मित्रों, पिछला बजट का स्पीच अगर आपने सुना होगा भारत सरकार का, तो भारत सरकार ने पिछले बजट में कहा है कि भारत सरकार यानी ये रनिंग वर्ष जो है इसमें हिंदुस्तान के 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग करेंगे, ऐसा भारत सरकार का बजट कहता है। मित्रों, गुजरात में 2009 में 18,000 गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया। आज मैं किसी भी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं, आज गांव के लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वहां के जीवन में बदलाव ला रहा है और उस बदलाव की दिशा में हम प्रयत्नरत हैं और उसका फायदा मिल रहा है। आप लोग जब कभी गौर से देखा होगा तो गुजरात में जितने रोड्स थे वो नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाले थे। आपने अगर गौर से देखा होगा तो राजस्थान से रास्ता आता है, महाराष्ट्र की ओर जाता है, यही हमारा मेन व्यवस्था थी। हम आए, हमने सोचा ये तो ठीक है भाई, ये कनेक्टिविटी देता है, राजस्थान को जोड़ता है, मुंबई के साथ जोड़ देता है, लेकिन गुजरात के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। और गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया हॉरिजॉन्टल रोड नेटवर्क बनाने का, ईस्ट वेस्ट को जोड़ना, यानी ट्राइबल बेल्ट को समुद्र किनारे के साथ जोड़ना। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सारी संपत्ति और विकास जो दो मेन रोड पर हो रहे थे नॉर्थ साउथ से, आज उसको हॉरिजॉन्टल रोड मिले, 6 रोड हॉरिजॉन्टल बनाए पूरे राज्य में जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ देते हैं। और ये काम 4 साल में पूरा कर दिया और उसके कारण वेल्थ एंड प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल होने लगा, उधर ट्राइबल बेल्ट की ओर जाने लगा, इधर समुद्र किनारे की ओर जाने लगा, और पूरा गुजरात मल्टी पिलर स्ट्रांग होकर के आज डेवलप हुआ आपको नजर आता है। जस्ट बिकॉज ए पॉलिसी डिसीजन कि गुजरात की कनेक्टिविटी हॉरिजॉन्टल चाहिए। पोर्ट सेक्टर अगर हमारा भविष्य है तो हमारा ट्राइबल बेल्ट को पोर्ट तक जोड़ना चाहिए। और उसका नतीजा यह हुआ है कि आज मेरे राज्य के किसी भी क्षेत्र की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विद इन 4 या 5 आवर्स किसी भी समुद्र तट पर पहुंचाई जा सकती है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन भी कैसे होता है, आपने उच्छल और निजर ये तहसील का नाम सुना होगा, एकदम नंदुरबार महाराष्ट्र के बगल में है, बिल्कुल गुजरात का आखिरी छोर पे है। अब गुजरात में किसी भी तहसील में जाओ रोड अच्छे हैं। एक दिन मेरे पास उच्छल निजर के ट्राइबल फार्मर्स मुझे मिलने आए, आदिवासी किसान। उन्होंने कहा साहब हमें रोड अच्छा चाहिए। मैंने कहा यार भाई मैं तो उच्छल निजर काफी घुमा हुआ हूं, वहां तो रोड बहुत अच्छे हैं। नहीं बोले वो वैसे रोड अच्छे हैं लेकिन हमें वो अब नहीं चलते। हमने कहा क्यों नहीं चलते? बोले हम अब केले की खेती करते हैं, हम लोग फिलीपींस के साथ MOU किया है और वहां से हमने टेक्नोलॉजी लाए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग केले की खेती कर रहे हैं और हमारे केले एक्सपोर्ट होते हैं। और जब हम ट्रक में केले भर करके पैक करके भेजते हैं तो रास्ते में कहीं एक दो भी गड्ढे आ जाएं तो हमारे केले दब जाते हैं और करीब 20-25% हमें नुकसान हो जाता है, इसलिए हमें पेवर रोड चाहिए। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, हिंदुस्तान के एक राज्य का आखिरी छोर के तहसील का एक ट्राइबल फार्मर आकर के राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आंख में आंख मिलाकर के कह रहा है कि मुझे पेवर रोड चाहिए ताकि एक भी बार जर्क ना आए और मेरा एक भी केला दब ना जाए। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू क्या होती है वो एक ट्राइबल आदमी को समझ आ गया और मुझे भी लगा कि रोड कितने ही अच्छे क्यों ना हो लेकिन इसकी इकोनॉमी के साथ अगर मुझे जोड़ना है, उसका जो टारगेट ग्रुप है उसको अगर मुझे एड्रेस करना है, आई हैव टू चेंज। और हमने डिसीजन लिया, हमने वो रोड को पेवर रोड किया। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव इस प्रकार से आता है।
और इसलिए हम इन चीजों को किस प्रकार से गौर से करते हैं, हम स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों, मैं समझता हूं शायद आप लोग कुछ सवाल जवाब भी करने के मूड में, ऐसा मुझे बताया गया था, तो कुछ समय, वरना ये विषय ऐसा है कि मैं ऐसे ही बोलता ही चला जाऊंगा और उससे निकलेगा कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही ना नौजवान, क्या आपकी अपेक्षा है, कुछ बातचीत करनी है ना, तो इतना ठीक है भैया, काफी है इतना। यार बोलो तो, क्या परेशान हो आप लोग, बड़े टेंशन में हो क्या? ऐसी सूचना दी है कि मुख्यमंत्री बड़े डिसिप्लिन वाले हैं तो आप जरा संभल के बैठना, ऐसा कहा है क्या आप लोगों को? अरे रिलैक्स हो जाइए भाई, ऐसे आराम से, आप कॉलेज में है वो मस्ती में रहिए। तो ठीक है इतना, कि और भी कुछ सुनना जानना है? बहुत हो गया, आप क्या करना। धन्यवाद दोस्तों। वैसे अर्जुन ने इतने सवाल पूछ लिए हैं कि अब कुछ बचा नहीं है। हाँ पूछिए दोस्त। सर गिफ्ट सिटी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या जी? गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी, अच्छा चलिए दो तीन चीजें आपने पूछ ली थी, एक साथ बता देता हूं। एक तो गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपके यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर आ रहा है, एक प्रकार से वो फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बन रहा है, एंड इट्स ए ग्लोबल हब, ग्लोबल कैपिटल बनेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक तो उसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। फाइनेंस की दुनिया में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फिगर्स होते हैं, अकाउंट की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, और इसलिए उसको एक ऐसे आईटी बेस के सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि जो इस प्रकार के सभी बैंकिंग क्षेत्र के ग्लोबल हेडक्वार्टर उनको बनाने हैं, अगर वो फैसिलिटी हम देते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के लोगों को कैटर करने के लिए ये गिफ्ट सिटी हम बना रहे हैं, और उस गिफ्ट सिटी में करीब 1,00,000 लोग वहां रह सके, काम कर सके, और मेनली फाइनेंशियल एक्टिविटी के से जुड़े होंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दुनिया के कई कंपनियां उसके साथ पार्टनर बनी है और ऑलरेडी उसका काम आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से मुंबई तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो मेनली नॉर्थ को बंदरों से जोड़ने का काम करेगा। जो इंपोर्टेड मटेरियल होगा वो उस ट्रेन के रूट से वहां जाएगा, और जो एक्सपोर्ट करने वाला मटेरियल है वो वहां से यहां आएगा। इसमें 40% एरिया गुजरात का आता है, इसके कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऑलरेडी उसका काम चल रहा है, जापान के साथ कोलैबोरेशन करके कर रहे हैं, और गुजरात उसमें काफी कुछ आगे बढ़ चुका है, तो एक उस दिशा में काम चल रहा है। उसी प्रकार से एक काम हो रहा है SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स। अब जैसे यहां से 80 किलोमीटर दूर धोलेरा है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लान सिटी बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। सांगाई जो बना है उससे ये डबल है, पूरा सिंगापुर का जो साइज है इससे करीब 1.25 गुना है, और ये यहां नया आकार ले रहा है। ऑलरेडी उसकी जमीन आइडेंटिफाई हो गई है, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए सारी परमिशन हो चुके हैं, कंपनी जो उसको डेवलप करेंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जा चुके हैं, अहमदाबाद से उसको मेट्रो से जोड़ा जाएगा, गांधीनगर को उसको मेट्रो से जोड़ा जाएगा, तो एक नया सिटी बन रहा है। उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्वीट वाटर लेक बन रहा है यहां पर, कल्पसर। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वीट वाटर लेक होगा, और समुद्र के अंदर एक डैम जैसा बनाकर के करीब 64 किलोमीटर लंबा, और उस पर यह बनाने की योजना है। उसी प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली दुनिया,
आज ही मैं सुबह बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में था, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का आज मैंने उद्घाटन किया, डेडिकेट किया, एशिया का सबसे बड़ा। और मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कैपिटल ये गुजरात बनने जा रहा है। विश्व ने सोचा तक नहीं होगा इतना बड़ा काम यहां हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे थे जैसे गिफ्ट सिटी का बताया, उसी प्रकार से एक नैनो सिटी बन रहा है, याहू वाले जो मिस्टर सबीर भाटिया है वो बना रहे हैं ये धौलेरा में ही, जिसमें दुनिया की कोई 18 यूनिवर्सिटीज को वे यहां ला रहे हैं और एक ही कैंपस में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज फंक्शनिंग करेंगे। ऐसा एक नया मॉडल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एक हम नॉलेज सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नए डेवलपमेंट के मॉडल इन दिनों खड़े हो रहे हैं।